हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। एमसीक्यू सीरीज में हम आज एमसीक्यू सीरीज नंबर 34 देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इज एन आउटकम ऑफ। देखो, आज की डेट में ये जो मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू बनता जा रहा है, और बढ़ते हुए पॉपुलेशन को देखते हुए और ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए मरुस्थलीकरण को रोकना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट देखो, कुछ बड़े कंट्री हैं, जैसे आप चाइना को ही लो, चाइना का एरिया हमसे 3 टाइम्स है, बट उसके बहुत सारे पार्ट जो हैं, आधे से अधिक जो हैं, कहीं ना कहीं डेजर्ट के रूप में हैं। आप रशिया को देखो, रशिया सबसे ज़्यादा ये एरिया है, बट उसका लार्ज पार्ट जो है वो डेजर्ट है। तो इसको रोकने के लिए जो इसका एजेंडा तैयार किया गया था वो एजेंडा 21 में तैयार किया गया था। ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रयास है, और इसके तहत जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, इसमें टोटल 197 पार्टी हैं। ये इफेक्ट में आया 26 दिसंबर 1996 में, और इसके जब 50 मेंबर्स रेटिफाई इसको कर दिए तब ये आया एग्जिस्टेंस में। और इसका जो शुरुआत होता है एक तरह से एजेंडा 21 में, एजेंडा 21 जो है वो 21st सेंचुरी के लिए एक प्लान है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, और ये पार्टी पे नॉन बाइंडिंग है, और लोकल आपके इशू के अनुसार आप उस चीज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री का जो है लोकल इशूज अलग अलग है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हेमू और हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, आप सबसे फेमस वो के वो हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 में हुई अकबर और हेमू के बीच। तो अकबर के तरफ से बैरम खां डायरेक्ट रूप से फाइट में थे, कमांड था, लेकिन हेमू उधर से था। हेमू की सेना बड़ी थी और इनफैक्ट वो जीतने वाला था, बट एक तीर उसकी आंख में लगी और वो वहीं गिर गया। ठीक है, तो वो क्या था, मिनिस्टर मोहम्मद आदिल शाह का एक मिनिस्टर था, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं यदि वो पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीत गया हुआ होता तो देर सवेर वो इंडिया का किंग हुआ होता, लेकिन डायरेक्ट वो इंडिपेंडेंट चार्ज में नहीं था। कहीं ना कहीं एक तरह से आदिल शाह जो था नॉमिनल किंग थे, लेकिन जो वर्किंग स्टाइल इनका था हेमू का वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ही था। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीआई यूजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल एज क्वांटिटेटिव टूल। देखो, आरबीआई का काम क्या है कि जो भी मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना। यदि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन यदि डिमांड पूल के कारण हो रहा है, यानी कि मनी अधिक है और वस्तुएं कम है, तो टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो उस सिचुएशन में आरबीआई के पास दो प्रकार के टूल होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल और एक क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल में होता है कि डायरेक्ट जो है प्रभावित होता है जो मनी सप्लाई, एक तरफ आरबीआई को लो और एक तरफ मार्केट को लो। तो यदि देखो, फर्स्ट कैश रिजर्व रेशियो, यदि कैश रिजर्व रेशियो CRR बढ़ा दिया जाए तो मार्केट से डायरेक्ट पैसे मार्केट में लेंड करने के लिए कम होंगे। सपोज अभी 4% CRR है, उसे 5% कर दिया जाए, तो बैंक जो 5% है उसको आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा और उसे लेंड नहीं कर सकती है। सेम सिचुएशन यदि CRR को घटा दिया जाए, तो सपोज 4% से 3% कर दिया जाए, तो 3% करेंगे तो बैंकों के पास अधिक लोन होगा, तो अधिक फंड होगा लोन देने के लिए। तो ये डायरेक्ट जो है वह क्वांटिटेटिव टूल्स है। रेपो रेट, रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म में बैंकों को लोन देती है जिस इंटरेस्ट रेट पे। तो यदि रेपो रेट बढ़ गया, इसका मतलब है कि कॉस्ट जो होगा वो अधिक हो जाएगा, तो अधिक कॉस्ट होगा तो कम मनी का डिमांड होगा। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल और परचेज करेगी। तो यदि सिक्योरिटी सेल होता है, तो सिक्योरिटी सेल होता है इसका मतलब है कि पैसे मार्केट से आरबीआई के पास चला जाएगा, और यदि आरबीआई सिक्योरिटी को
परचेज करती है बैग, तो इसका मतलब है कि आरबीआई मार्केट में पैसे देगी। तो ये जो तीन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वांटिटेटिव टूल्स है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये होता है कि आप एक तरह से कितना पेमेंट करते हो। जैसे मान के चलो कि शेयर्स वगैरह है, तो शेयर्स में एक तो होता है कि आप पूरे कैश में डिलीवरी करते हो, एक आपको मार्जिन्स दिया जाता है कि चलो ठीक है आप 10% पेमेंट करो और बाकी जो होगा वो एक तरह से क्रेडिट के आधार पे होगा। तो यदि मार्जिन घटाना और बढ़ाना, तो ये आरबीआई इसमें आरबीआई से पैसे आने जाने का नहीं होता, ये चीजें जो होता है मार्केट टू मार्केट ही होता है। मान के चलो कि कोई भी शेयर्स में है, तो एक आरबीआई उसमें पिक्चर में नहीं आ रही है, तो जहां आरबीआई पिक्चर में नहीं आ रही है वो मार्केट में ही एक तरफ से दूसरी तरफ किया जाता है कहीं ना कहीं वो बैलेंस स्टेब्लिश करने के लिए। तो जो D4 है मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो क्वालिटेटिव टूल है, और 1, 2 एंड 3 जो है वो क्वांटिटेटिव टूल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। तो फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी पार्ट है, लेकिन मेन जो है इसका फंडामेंटल राइट का मतलब है कि जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, कुछ राइट्स जैसे हैं नॉन सिटीजन्स को भी, इनफैक्ट आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। बाकी फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, ऑब्वियसली वो एनिमी एलियंस नहीं होने चाहिए, तो उपलब्ध है। तो देखो इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ ऑब्वियसली बात है, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। इनफैक्ट आर्टिकल 14 इक्वालिटी, 15 स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर है उसको लिमिट करना, पीपल्स के पास जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस वो जो है उनके पास पार जो होना चाहिए और राइट होने चाहिए, और गवर्नमेंट के राइट कर्टेल कम होने चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट। अब तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखो यदि सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, तो फंडामेंटल राइट सोवरेनिटी, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप प्रियम्बल में ही देखो पीपल हमारे सॉवरेन हैं, तो ये फंडामेंटल राइट से एक तरह से नहीं आता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ऑब्वियसली ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है, लेकिन मेन जो फंडामेंटल राइट का कोर है वो लिमिटेड। आपका ए भी है सही है, डी भी सही है आपका, लेकिन बी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो उसका मोटो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर द प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके कुछ पार्ट जैसे 39B और सी जो है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत सारे सिचुएशंस में होते हैं। लेकिन कुछ टाइम में जैसे कॉन्ट्रडिक्शन ये हुआ कि कौन ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह से वो इस ढंग से उसे बोला जाता है कि स्टेट विल ट्राई टू प्रोवाइड ऑल दीज व्हाट आर देयर इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट दिस इज अबाउट ना कि इन फ्यूचर में यदि एबल पेबल व्हेन एबल, स्टेट के पास जब एबिलिटी होगा, जैसे आप राइट टू एजुकेशन देखो, तो आरटीई जो था तो पहले डीपीएसपी में था, लेकिन जब गवर्नमेंट को लगा कि नाउ इट्स राइट टाइम कि अब इसे हमको फंडामेंटल राइट में लाना है, तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है वो आपका मिनर्वा मिल केस 1980 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ऊपर हैं। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल एनी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। गोलकनाथ में वो लैंड से रिलेटेड था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें सीलिंग, लैंड सीलिंग के कारण गवर्नमेंट ने गोलकनाथ एंड ब्रदर्स के लैंड ले लिए थे, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि हमारा लैंड जो है प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स है।
तो वो चीजें गोलकनाथ केस में डिसाइड किया गया था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को ही करने का। केशवानंद भारती वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट विच गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स केस। नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। देखो ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो 23 में 22 पेयर्स जो होते हैं वो दोनों में मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। 23rd पेयर जो होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वही डिसाइड करता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल। तो मेल में ऑब्वियसली एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में जो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें से कलर ब्लाइंडनेस जो है इसका मतलब है ना कि जो बेसिक कलर्स हैं कलर्स में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं जिन जो कलर ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं। इसके टेस्ट के लिए जैसे आप यदि असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम में जाओगे या बहुत सारे जैसे रेलवे के जो असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे ड्राइवर वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस का ये सबसे अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। इसको इसी हारा कलर टेस्ट बोलते हैं। एक आप पेज देखोगे उसमें डिफरेंट कलर से लेटर लिखे रहते हैं, उसको इशिहारा कलर टेस्ट प्लेट बोलते हैं। तो देखो जो एक्स क्रोमोजोम के कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। तो यदि एक एक्स क्रोमोजोम पे प्रॉब्लम हो भी गया तो दूसरे से उनका काम चल जाता है, लेकिन मेल में सिर्फ एक वन एक्स है तो मेल जो है वो कलर ब्लाइंडनेस से ज्यादा प्रभावित होते हैं बनिस्पत फीमेल के। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इफ अ स्पीसीज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लॉय। तो इट इंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। नो, टाइगर जो है शेड्यूल 1 में रखा गया। शेड्यूल 1 में जो भी स्पीसीज रखे गए हैं वो उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है और उनको आप मार नहीं सकते हैं, अदरवाइज दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो जैसे जैसे हम शेड्यूल में नीचे चलते जाते हैं तो उस चीज को उसका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो कम होते जाता है। तो जो शेड्यूल 5 में है, तो शेड्यूल 5 में है उन्हें हंट किया जा सकता है, इनका शिकार किया जा सकता है। देखो इसका आंसर सी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मान के चलो जैसे कुछ कुछ एरिया में नीलगाय को, बंदर को या फिर जंगली सुअर को, क्योंकि यदि वो मान के चलो ना कि इन्वायरमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सपोज वो फसल बहुत ज्यादा नष्ट कर दे रहे हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स को उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो विद प्रायर परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड समटाइम केसेस वेंट टू कोर्ट एज वेल, तो वो विद प्रॉपर ऑथोराइजेशन फॉर लिमिटेड पीरियड इन लिमिटेड एरिया दोज स्पीसीज विच आर कंटेन्ड इन शेड्यूल 5 दे कैन बी हंटेड, उनका शिकार किया जा सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। तो ये यूनेस्को के द्वारा रिलीज किया जाता है। देखो आज के डेट में एक टाइम था कि जो दिव्यांग बच्चे होते थे तो उन्हें एजुकेशन से लेकर के बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। विद टाइम पासेस जो है इनको उसकी सुविधा के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। इनफैक्ट देखोगे कि जो भी स्टेट कैपिटल है और नेशनल कैपिटल है उसमें ये किया जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसमें एटलीस्ट डिसेबल्ड पर्सन के लिए प्रॉपर रैंप हो और सारी चीजें का व्यवस्था हो, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम के सोसाइटी में आ सकें, जिनकी जो क्षमता है उसके अनुसार वो अपने को डेवलप कर पाए। तो ये जो है यूनेस्को के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एम्बियंट एयर क्वालिटी डेटाबेस इज कंपाइल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंपाइल किया जाता है। आज के डेट में देखोगे इंडिया में इनफैक्ट देखोगे तो दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड और जहाँ एयर क्वालिटी बहुत खराब होता है वो उसमें से मेजोरिटी ऑफ सिटी इंडिया में टॉप 20 में देखोगे तो मोर देन हाफ सिटी जो है इंडिया के ही हैं। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने
लॉन्ग टाइम बोला कि भाई पर्यावरण को जो ये पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, उसको कम किया जाए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फ्रस्ट्रेशन में ये भी बोला कि एक तरह से ये गैस चैम्बर है, तो बेटर है कि एक ही साथ मार दिया जाए लोगों को। क्यों धीरे धीरे करके घुट घुट करके मरने दिया जा रहा है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी वो बहुत स्थिति उसका बुरा हो गया है। तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है। नेक्स्ट, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ अमरावती स्तूपाज आर स्टिल सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम। तो ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। अमरावती आंध्र प्रदेश का स्टेट कैपिटल बनने वाला था चंद्रबाबू नायडू के ड्यूरेशन में। उन्होंने ये इसका प्रोजेक्ट डेवलप करने का योजना बनाया था, लेकिन फिर इसमें आ गई है दूसरी गवर्नमेंट। तो BS जगनमोहन रेड्डी ने ये बोला कि नहीं बेटर है, हम कई स्टेट कैपिटल बनाएंगे। उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं। तो ये ब्रिटिश म्यूजियम में मैंने इसके बहुत सारे पार्ट रखे हुए हैं, और जनरली ये ज्यूम किया जाता है कि जो अमरावती स्तूपा है वो 3rd सेंचुरी में मौर्यन किंग सम्राट अशोक ने यह बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके आंसर की यहाँ दिए गए हैं, और इस वीडियो का PDF जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।